So we are left with two questions of this revision test paper. Answer to question number 12, राइट? मई 2020 का रिवीजन टेस्ट पेपर हम लोग कर रहे हैं, राइट? तो उसका हम लोगों का एक बजट का क्वेश्चन और एक थ्योरी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है? अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैज प्रिपेयर्ड सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड फॉलोइंग ड्राफ्ट फिगर्स आर अवेलेबल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब सेल्स बजट दे दिया, व्हीकल मैन्युफैक्चर करने का स्टैंडर्ड कॉस्ट दे हैव गिवन अस, डीलर के थ्रू बेचते हैं, उसको सेलिंग प्राइस है 17,14,200 एक व्हीकल का, और डीलर को 15% कमीशन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल, खाली मटेरियल एक्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू होल्ड स्टॉक ऑफ पार्ट एक्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 40% ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स प्रोडक्शन। अगला महीने का 40% प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं अभी होल्ड करूँगा, और अक्टूबर में 48,000 पार्ट एक्स का है, कंप्लीटेड व्हीकल का अक्टूबर में मेरे पास 9,500 है, और इट इज़ द पॉलिसी टू हैव स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 20% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स। तो अपने को सेल्स बजट दिया, अपने को प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट एंड परचेज बजट बनाना है, क्वेश्चन में भी वही बोला, फिर बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए, सबसे पहला अपने को बनाना है प्रोडक्शन बजट, चार महीने का बनाने बोला है, राइट? सेल्स दिया हुआ है, चालीस हजार, 35,000, 45,000, 60,000 प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, हर महीने का फॉलोइंग मंथ का सेल्स का 20% मैं होल्ड करूंगा, तो अक्टूबर का क्लोजिंग विल बी नवंबर का 20%, नवंबर का क्लोजिंग विल बी दिसंबर का 20%, दिसंबर का क्लोजिंग विल बी जनवरी का 20% एंड जनवरी का क्लोजिंग विल बी 20% ऑफ फरवरी, दैट इज 65,000 का 20% लेस ओपनिंग फिनिश गुड्स, अक्टूबर का दिया है 9,500, नवंबर का ओपनिंग विल बी लाइक दिस, ऐसे उतरेगा नीचे, सेवन थाउजेंड, 9,000, राइट? सो आ गया हमारा प्रोडक्शन,
इज दैट फाइन? तो ये हमारा प्रोडक्शन बजट बन गया। इस टाइप का सम्स हम लोग बहुत किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डू रॉ मटेरियल का परचेज बजट। ठीक है, तो उसके लिए पार्ट टू करने के लिए अपने को नोट नंबर वन में रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, अच्छा नाम क्या है, मटेरियल एक्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना आएगा? बोला है एक बनाने के लिए चार चाहिए, राइट? तो 37,500 बनाने के लिए डेढ़ लाख चाहिए, ठीक है? तो इससे हमारा काम बनेगा परचेज बजट का। एक 37,500 प्रोडक्शन है, तो अक्टूबर का रिक्वायरमेंट 1.5 लाख, नवंबर का रिक्वायरमेंट 148, 192, 244। अब इसके मदद से मैं बनाऊंगा रॉ मटेरियल परचेज बजट। राइट, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन अक्टूबर का लिखेंगे, नवंबर का लिखेंगे, दिसंबर का लिखेंगे, प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्या क्लोजिंग रॉ मेटेरियल विल बी नेक्स्ट मंथ्स का रिक्वायरमेंट का 40%? क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है। तो 148 का रिक्वायरमेंट का 40%, 59,200 सिंपली इसका 40%, फिर 192 का 40%, सेवेंटी सिक्स एट हंड्रेड, दिसंबर का क्लोजिंग विल बी जनवरी का 40%,
सो 2,44,000 का 40% माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है? तो अक्टूबर का ओपनिंग दे हैव टोल्ड अस 48,000, बाकी ओपनिंग तो ऐसे उतरेगा। तो रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है बताइए, 161,200, ठीक है? वन सिक्सटी फाइव सिक्स हंड्रेड, वेरी गुड। दो बार 800, ठीक है? इज दैट फाइन? बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है हम लोगों को। पार्ट थ्री में हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, तो सबसे पहले नोट बना के प्रॉफिट पर यूनिट निकाल लीजिए ना, बेटर होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेवेंटीन लैख फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट 11,42,800, डीलर्स कमीशन 15% ऑफ 17,14,200, टू फाइव सेवन वन थ्री जीरो, तो हमारा प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा, यही तो मेन है। तो ये आ गया मेरा 314,270। सिंपल है ना? तो अब अगर हमने को ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है तो अक्टूबर का कैसे होगा?
40,000 यूनिट इंटू रुपीज 314,270, 35,000 यूनिट्स इंटू 314,270, राइट, 45,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 314,270, तो ये रुपीज इन लैक्स लिख लो, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा आएगा। 314,270 इंटू 40,000, तो 125,708 lakhs। 314,270 इंटू 5, 10,994.5, 141,421. राइट, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सिंपलेस्ट वे। ठीक है, ठीक है, अभी आंसर टू राइट तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कुछ कुछ पेपर्स के और क्लास में भी डिस्कस किया है, जस्ट मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली डील्स विद क्वांटिटेटिव डाटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। इसमें ऑब्जेक्टिव इज ओनली कॉस्ट असर्टेनमेंट, लेकिन वहाँ पे प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, राइट, एरिया ये खाली कॉस्टिंग पार्ट कवर करता है, वहां पे फाइनेंशियल्स, प्लानिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, डिफरेंट एरियाज आर कवर्ड, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी, हम लोग का पास डिस्कशन में भी ये थ्योरी हमारा कवर्ड है, तो हम इसको अभी कवर नहीं करेंगे। नाउ रोल ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप लोग इसमें बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, राइट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पॉइंट फॉर्म में खाली एक्सप्लेन करूंगा, अंदर आपको भर भर के लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। क्वेश्चन में पूछा है इंपैक्ट ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। पहले क्या होता था,
पहले बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, बहुत मोटा मोटा बही खाता होता था, इसीलिए अपना जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टैली आ गया, ईआरपी, राइट? तो इट इज हेल्पिंग अस और रादर सेविंग लॉट ऑफ टाइम इन डॉक्यूमेंटिंग अ रिकॉर्ड, राइट? सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या मदद मिलेगा? मैंने आपको मटेरियल चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने आपको मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बताया था। अगर आप जस्ट इन टाइम अप्रोच देखेंगे तो जस्ट इन टाइम अप्रोच में क्या होता है, पहले कस्टमर का डिमांड आता है, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, अकॉर्डिंगली मटेरियल रिक्विजिशन सेंड, उस हिसाब से फिर सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट इन परचेज ऑर्डर रेस करता है, तो उसमें काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें क्या होगा, आपका पेपरलेस एनवायरनमेंट हो जाएगा, सबको ई कॉपी चला जाएगा। इट इज कंप्लीटली पेपरलेस एनवायरनमेंट, कोई झमेला ही नहीं है। राइट? रिकंसिलिएशन इज इजी। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल्स का रोल ऑफ इंटरनेट बताइए। पहले क्या होता था, आपको परचेज ऑर्डर भेजना पड़ता था सप्लायर के पास में, तो इंटरनेट आने से, राइट, मटेरियल रिक्विजिशन एक बंदा उठाता था एक डिपार्टमेंट में, तो इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट मीन्स लाइन सिस्टम एंड एक्स्ट्रानेट, इससे क्या होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गया, क्विकली सबको पता चल जाता है। और ऐसी भी रहता है, राइट? मतलब कॉस्ट कैन बी असेटेंड विथ एक्यूरेसी इन टाइमली मैनर। वेरियंस एनालिसिस कैन बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। यस और नो? समझ में आ रहा आप लोगों को? तो इससे क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पे वेरिएंस एनालिसिस कर पाएंगे, यू कैन टेक द एक्शंस मोर फास्टर। ठीक है, तो काफी सारा इंपैक्ट है आईटी का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, राइट? हम लोग क्लास में भी ये चीज डिस्कस कर चुका है, सो यू कैन जस्ट हैव अ रीडिंग टू दैट। बहुत है, इतना काफी है, 5 नंबर से ज्यादा तो आपके एग्जाम में थ्योरी आता नहीं है, तो 5 पॉइंट इज सफिशियंट। देन आपको एस्केलेशन क्लॉज बताना है, आपको पता है इन द इवेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन एस्केलेशन क्लॉज का है। भैया कंप्यूटर रहने से आईटी मतलब तो वही हो गया ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैन्युअली आपको रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करना है, तो उसके काफी फायदे होते हैं। एक तो पेपरलेस एनवायरमेंट में हम रहना चालू कर देते हैं, रिकंसिलेशन इज फास्टर एंड ईजी, इंटरनेट के जरिए आप ये जो परचेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो ऑर्डर रिक्विजिशन मेटेरियल रिक्विजिशन भेजता है परचेस डिपार्टमेंट को, और फिर परचेस डिपार्टमेंट परचेस ऑर्डर भेजता है सप्लायर को, ये आप इलेक्ट्रॉन मतलब इंटरनेट के थ्रू आप इजिली भेज सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आईटी से आपको कॉस्ट कैन बी असेटेंड विद एक्यूरेसी टाइमली मैनर में, वेरियंस एनालिसिस कैन बी डन ऑन रियल टाइम एनालिसिस, एंड फर्दर यू कैन टेक एक्शन क्विकली, राइट? तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नाउ एस्केलेशन क्लॉज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नाउ इन द इवेंट प्राइसेस ऑफ रॉ मेटेरियल गो अप बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट देन देर इज अ क्लॉज कि आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिवाइज कर सकते हैं. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट. सो एस्केलेशन क्लॉज के बारे में आपको इन्फ्लेशन के कारण आपने कोई चीज गलत काम किया. इन द इवेंट सपोज मान लो 5% तक तो हम बियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने जो एस्टिमेट बनाया क्या, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, पहले मैं कॉस्ट का सारा एस्टिमेट निकालता हूँ, उसके बाद मैं एस्टिमेट निकालने के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेट कर दिया. अभी उसमें एस्केलेशन क्लॉज डाल दे कि भैया अगर हमने ये एस्टिमेट पकड़ा है, अगर मेरा इन्फ्लेशन इस रेट को क्रॉस करेगा, 5% से ज़्यादा हो जाएगा, इन द इवेंट लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है मटर, तो उतना इन्फ्लेशन मैं बियर नहीं करूंगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है एस्केलेशन क्लॉज. सो दैट इज इन्फ्लेशन, ठीक है. सो दिस यू कैन राइट. एंड बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट मेरे को समझाने का दरकार नहीं है, राइट. यू ऑल कैन डू इट वेरी इजीली. अगर बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो आइदर यू कैन रिड्यूस इट, आइदर यू कैन ट्रीट इट एज मिसलेनियस इनकम, और यू कैन रिड्यूस फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट एंड नेट कॉस्ट, यू कैन अपोर्शन अमॉन्ग द जॉइंट प्रोडक्ट्स, राइट. ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है. इनफैक्ट पास्ट ईयर पेपर कराते वक्त भी, सम कराते वक्त भी, अगर बाय प्रोडक्ट का कंसिडरेबल वैल्यू है देन यू कैन ट्रीट इट एज वन ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट. अगर बाई प्रोडक्ट रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग, तो आप एनआरवी मेथड से बाई प्रोडक्ट का पहले आप जॉइंट कॉस्ट निकाल लीजिए, रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट विल बी अपोर्शन टू रिमेनिंग जॉइंट प्रोडक्ट्स, राइट. तो इस टाइप से हम लोगों का ये पेपर भी कंप्लीट हो गया, राइट. एंड हम लोग फिर आगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर का एनालिसिस बात करेंगे. अभी तक मैंने जो स्टडी किया है उसमें से ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो दिस टर्म स्पेशली मई 2020 दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपैक्ट ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. वेर एज बाकी ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पिछले दो आरटीपी से ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंशिएशन. सो दिस क्वेश्चन अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट. बाय प्रोडक्ट पूछ चुका है पास्ट पेपर में, अगर इफ यू टॉक अबाउट द न्यू करिकुलम. एस्केलेशन क्लॉज भी नहीं पूछा है, राइट. रिवीजन टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है. जब भी आप कोई भी पेपर हो, ये कॉस्टिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा, आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो आप करके जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको रिविजन टेस्ट पेपर भी करना बहुत जरूरी है. हमारे टर्म में उस समय तो ऐसा होता था कि भैया अगर मई 2020 में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नवंबर 19 में जो आरटीपी है, मई 19 का जो आरटीपी है पूरा उठा के दे देता था, राइट. तो आप लोगों को आरटीपीज वगैरह सॉल्व करके ये टेंडेंसी आप लोगों को बनाना चाहिए. कितना टाइम लगता है, हम लोग देखा कि हम लोग को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी नो, सो व्हाई डोंट यू ड्राफ्ट इट इन अ पीस ऑफ पेपर. इससे हमारा स्पीड भी बढ़ता है, राइट. एंड देखा देखा हुआ सेम फिगर वाला सम आ जाए तो हमारी एक्यूरेसी भी एक कंप्यूटर की तरह काम करने लग जाती है, राइट. चलिए ठीक है, हम लोग इन ड्यू कोर्स वी विल डू मोर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.